कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं, मेक बनाना, क्रिएशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, एन एक्शन, रिएक्शन, अ साउंड, स्पीच और फूड। माई डैड लाइक्स टू मेक फूड, मेरे पिताजी को खाना बनाना पसंद है। डू करना, जॉब्स और एक्टिविटीज विद एनीथिंग और समथिंग आल्सो इंडिकेट्स जेनरिक एक्शन। आई नीड टू डू होमवर्क, मुझे घर का काम करना है। रिफ्यूज, इनकार करना। टू डिक्लाइन, टू एक्सेप्ट, गिव अनविलिंगनेस। आई रिफ्यूज टू आर्ग, मैंने आर्ग करने के लिए इनकार कर दिया। डिनाय, गलत ठहराना। डिक्लेयरिंग अनट्रूथ, डिसएग्रीमेंट टू विदहोल्ड आर डिसओन समथिंग, मोस्ट डिनाय दैट द स्काई इज ऑरेंज। अधिकतर लोग इस बात को गलत ठहराते हैं कि आसमां नारंगी रंग का है। से कहना, अ वर्ब यूजुअली यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट। शी न्यू व्हाट टू से टू हर सिस्टर, उसे पता है उसे अपनी बहन को क्या कहना है। टेल, इन्फॉर्म्स और इंस्ट्रक्ट्स का इस्तेमाल आदेश देने के लिए किया जाता है। टेल योर ब्रदर टू मेक हिज बेड, अपने भाई से कहो वह बिस्तर सही कर दे। स्टे, स्टे इज एन इनफॉर्मल वर्ब, स्टे का इस्तेमाल अनौपचारिक रूप से किया जाता है। डोंट स्टे आउट लेट, बहुत देर तक बाहर नहीं रुकना। रिमेन, रिमेन इज यूज्ड मोर इन फॉर्मल सेंस, रिमेन का इस्तेमाल औपचारिक रूप से किया जाता है। दो द टीम लॉस्ट, फैंस रिमेन लॉयल, टीम के हारने पर भी फैंस देशभक्त वफादार रहे। सिट इज अ वर्ब, बैठ जाना। मोस्टली पीपल प्रेफर टू सिट व्हाइल दे ईट। सीट इज अ वर्ब एंड नाउन, बैठने का आसन। प्लीज फाइंड अ सीट, कृपया बैठने की जगह ढूंढ लीजिए। सीटेड इज अ वर्ब, बैठा हुआ। प्लीज वेट टू बी सीटेड, कृपया बैठने के लिए इंतजार करें। शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई एंड वी, शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ किया जाता है। वी शैल टेक अ वॉक, हमें वॉक पर चलना चाहिए। विल, विल इज यूज्ड विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, यू ही सी इट दे, विल का इस्तेमाल यू ही सी इट दे के साथ